Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सोहाबतपुर जमायतुल उलमा इस्लाम के जिले रहनुमा बरकत अली मंगी ने अवामी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्जाम आयद करते हुए कहा कि नेशनल बैंक डेरा अल्लाह यार का अमला ने फ्रॉड का बाजार गर्म कर रखा। नेशनल बैंक डेरा अल्लाह यार जफराबाद का एक वाकया है। गुलाम मोहम्मद लेडी एक छोटा सा नेशनल बैंक का कस्टमर जिसमें 1,10,000 की खोजपूछ की गई। हम समझते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम हर चीज को मद्देनजर रखते हुए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा फराज किया है। जैसे कि गरीब लोग लोन लेते हैं बैंक से, इनका प्रोसेस यह होता है कि एक फॉर्म मिलता है जिसमें वो दस्तखत शुदा होते हैं, 5 इनके चेक होते हैं, वो दस्तखत शुदा होते हैं। इनका बिल मंजूर हुआ फिर गुलाम लेडी का, तो मेरे ख्याल में 8,10,000 रुपये कुल रकम, जिसमें से जब ये अमला इनका बिल मंजूर हुआ, लोन मंजूर हुआ, तो जब ये गए नेशनल बैंक दोनों से फिर ये कहा गया कि आप दूसरे चेक भी हमें दें, 5 और हमें चेक चाहिए। जब उन्होंने वो चेक लिख के दिए, जैसा कि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, फिर गुलाम लेडी और उनसे ये फ्रॉड करके 1,10,000 नेशनल बैंक ने, यानी हम तो समझते हैं कि जो मैनेजर है नेशनल बैंक का, ये सारा अमला इसमें बलवस है। कि आप देखें कि जो मीर गुलाम लेडी एक बाअसर शख्सियत भी है और सियासी वर्कर भी है और जमीयत उलमा इस्लाम के एक जनरल सेक्रेटरी साहब का रहे हैं, जब इन लोगों से ये इतना फ्रॉड किया जाता है तो आम लोगों के साथ ये क्या सलूक होगा। कैमरा टीम के साथ अब्दुल गफार सोमरो, सच का साथ न्यूज, सोहाबतपुर।